ओम शांति। ब्रह्मा कुमारीज का साप्ताहिक कोर्स पहला दिन 11वां विषय है, आत्मा क्यों आती है। परम धाम में बैठे रहना उसको अच्छा नहीं लगता क्या? आज सारी दुनिया का ये बहुत बड़ा प्रश्न है कि परम धाम से आत्मा आती क्यों, आराम से वहाँ बैठी रहती, अपने घर में बैठी रहती, क्या जरूरत पड़ी थी उसे इस संसार में आने की। तो हम देखेंगे क्यों आती है आत्मा। सबसे पहली बात समझनी है, एक एक्टर है, ये शरीर कॉस्ट्यूम है जिसे पहनकर उसने यहां पर एक्टिंग करनी होती है। और एक्टर आत्मा हमने जान लिया है कहाँ रहती है, परम धाम में रहती है। अब परम धाम से वहां पर क्या होता है, क्यों आने की इच्छा होती है उसकी, कि वहां कोई कर्म नहीं है, एक्टिंग नहीं है, आत्मा बस जैसे कि रखी हुई है, हिलना डुलना देखना खाना पीना रोना सोना उठना बैठना कुछ नहीं है परम धाम में। परम धाम में शांति है और डेड साइलेंस। परमात्मा के पास होते हुए भी परमात्मा पढ़ाता नहीं, देखता नहीं, सुनता नहीं, कोई बात नहीं होती। परम धाम घर है, वहां शांति है, एकदम शांति। शांति के अलावा वहां कुछ नहीं। कब तक सोए रहेंगे आप? यदि वहां बैठी रहे तो उसका होना या ना होना एक बराबर है। सोचो किसी एक्टर को एक्टिंग के लिए रोल ही ना मिले, उसका होना या ना होना किस काम का। इसलिए हर आत्मा को इस पृथ्वी पर आना ही पड़ता है। आने की मजबूरी है। एक आत्मा ज्यादा से ज्यादा आराम पसंद आत्मा है तो 4999 साल परम धाम में रह सकती है। एक साल के लिए तो इस पृथ्वी पर आना ही पड़ेगा। एक साल के लिए तो इस पृथ्वी पर आना ही पड़ेगा। ये परमपिता परमात्मा के डायरेक्ट महावाक्य मुरली में 16 अप्रैल 2019 की मुरली में बाबा ने ये राज स्पष्ट किया हुआ है। और एक आत्मा ज्यादा से ज्यादा 4999 साल यहां एक्टिंग करने के लिए आ सकती है। एक साल के लिए उसे परम धाम में जरूर जाना पड़ेगा। कोई आत्मा 5000 साल पूरे ना तो पृथ्वी पर रह सकती है ना परम धाम में रह सकती है। 5000 साल का आपने जान लिया है कि हर आत्मा की रिकॉर्डिंग कैपेसिटी है 5000 ईयर्स। अब इस बीच में कितना समय परम धाम में रहती है, कितना समय यहाँ रहती है, ये उस आत्मा में रिकॉर्ड। फिर भी कोई प्रश्न हो तो आप अवश्य भेजेंगे 9213106986 पर। जितना परमात्मा ज्ञान से मुझे स्पष्ट हुआ है वो मैंने आपको किया। और विस्तार से जानने के लिए आप प्रश्न पूछें या प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के 137 देशों में किसी भी सेंटर पर जाकर विस्तार से जान सकते हैं। ओम शांति।